तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं सतीश एंड वेलकम टू द गेम इनफिनिट्स। तो फ्री फायर की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो हम दोबारा से टॉपिक को कवर अप करेंगे फ्री फायर के क्लाउड टेक्निक के ऊपर। जस्ट कल आपको पता होगा मैंने क्लाउड टेक्निक के ऊपर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने फोर फिंगर क्लाउड टेक्निक को आपको बताया था। तो कुछ बंदों को उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी और मैं आपको बताता हूं वीडियो पर थोड़ा बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला मेरे, और लाइक रेशियो और यहाँ पर व्यू वाला रेशियो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इसलिए इसका मैंने सोचा कि पार्ट टू बना जाए, पर इसमें पार्ट टू में आपको थ्री फिंगर क्लॉ टेक्निक के बारे में बताया जाए। तो हेलो, अब बात करें व्हाट इज क्लॉ। तो क्लॉ टेक्निक आपको हम बता दें, आपको क्लॉ टेक्निक एक ऐसा मेथड होता है, ऐसा जरिया होता है जिससे आप आसानी से आप अपना गेम प्ले, स्पीड, मूवमेंट आसानी से बहुत अपना फास्ट कर सकते हैं। और आपका जो इस गेम में, इन गेम में आपका काफ़ी अच्छा गेम प्ले होने वाला है इस क्लॉ टेक्निक को यूज करने के बाद। और सबसे मेन बात यह है कि फ्री फायर में कुछ ही बंदे ऐसे हैं जो क्लॉ टेक्निक का यूज़ करते हैं। आपको पता हो पबजी में जितने भी बंदे होते हैं सब क्लॉ टेक्निक का यूज़ करते हैं, चाहे वो फोर फिंगर हो या फिर थ्री फिंगर हो। सिंपल है, वो आपके ऊपर होता है कि आप फोर फिंगर का यूज़ करते हो या थ्री फिंगर का यूज़ करते हो। पर आपको मेन आपको बता दूं, फ्री फायर में थ्री फिंगर इज़ द बेस्ट, क्योंकि आपको पता होगा कुछ आपको यहाँ पर मैप में अपने कस्टम हुड में आपको सेम देखने को मिलता है। कुछ आइटम से जो अपना मैप हुआ वो उसमें ऑलरेडी लॉक दिखाई देता है, और लॉक दिखाई देता है हम अपना जो है थ्री नंबर की जो फिंगर है उसको अपना जो बटन आपको वहाँ पर सेट नहीं कर पाते। तो लो आपको मैं यहाँ पर सिंपल आपको अच्छी तरीके से आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसमें होगा और क्या नहीं होगा क्लाउड टेक्निक के अंदर। पर उससे पहले आप तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे पता है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन है उसमें ऑल पे सेट कर दो, तो क्योंकि आप अगर आप जाओगे तब भूल जाओगे सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अपने क्लॉ टेक्निक को। तो आपको मैं बेसिक शुरू से लेकर जीरो से लेकर आपको लास्ट तक बताऊँगा क्लॉ टेक्निक होती क्या है और कैसे यूज करते हैं। कैसे तो ओके गाइस, देख सकते हैं मैं अपने फ़ोन में आ गया हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन ले लिया है और यहाँ पर दूसरे फ़ोन में आपको मैं रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। तो शुरू से लेकर जीरो लेवल से आपको मैं बताऊँगा कस्टम हुड पहले तैयार करना पड़ेगा। जब आपका कस्टम हुड तैयार हो जाएगा तब आप सिंपल क्लॉ टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल चलते हैं अपने क्लॉ टेक्निक के ऊपर। सबसे बेसिक सी चीज़ आपको मैं शुरू जीरो लेवल से बता रहा हूँ, क्योंकि जीरो लेवल से आपको आपको स्टार्ट होगा। मान लो आप कोई बिगिनर्स हो, स्टार्ट कर रहे हो क्लॉ टेक्निक के ऊपर, तो जीरो लेवल से आपको मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपको जो सिंपल आपको जो आपको कुछ काम की चीज़ें उनको साइड में कर देते हैं, और जो मेन चीजें आपको एक साइड में कर देता हूं। जैसे आपको पता हो कुछ आपको इमोट है, इमोट वगैरह का जो आपको जो है बटन है, या फिर आपको जो है पानी में आपको तैरने वाले, या फिर ऐसे जो है कुछ बटन्स हैं उसको मैं एक साइड में कर देता हूं, और जो मेन बटन है उनको एक साइड में कर देता हूं, ताकि मुझे आसानी हो जाए उनको अलग सेलेक्ट करने में, ताकि मैं आराम से क्लॉ टेक्निक का यूज कर सकूं। ओके गाइस, यहां पर मैंने सब कुछ सब सेट कर दिया है। अब देख सकते हैं मेरा बिल्कुल एकदम कस्टम बिल्कुल हुड तैयार हो गया है। सिंपली आप भी ऐसा अपना कस्टम हुड तैयार कर सकते हैं। कस्टम हुड तैयार करना वो आपके ऊपर, आप कैसे तरीके से अपना कस्टम हुड तैयार करते हो। सिंपल आपको थोड़ा सा चेंज करना हो कस्टम हुड के अंदर। आप देख सकते हैं अब मेरे को क्या करना है, जहाँ पर मेरा गन वाला सेक्शन है, ऊपर गन वाले बटन है, वहाँ पर मेरे को जाके क्या करना है, वो अपना आपको अगर आप फायर का बटन रखना चाहते हो फायर का बटन रख सकते हैं, अगर आप जो है जंप वाला बटन या फिर बैठने वाला सेटअप वाला बटन रख सकते हैं। तो सबसे मेन बड़ी बात आप सकते जानते हैं, आपको रखना होगा अपना फायर का बटन। तो फायर के बटन आपको पता होगा दो होते हैं, एक तो टैप वाला होता है, एक होता है आपको यहाँ पर ड्रैग वाला। तो ड्रैग वाले का आपको यार राइट हैंड में फिक्स होता है, तो उसको फिक्स रहने दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा ड्रैग का यूज आपको राइट हैंड से आपको काफ़ी अच्छा होता है। आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं आपको लेफ्ट हैंड वाला, क्योंकि उसको आपको ओनली टैप करने की जरूरत होती है। ओके, यहाँ पर मैंने रख दिया अपने जो है जो टैप वाला बटन, सॉरी बोलता हूँ लेफ्ट फायर बटन है, आपको मैंने यहाँ पर रख दिया। आप चाहें तो इसकी जगह अपना जो जंप बटन रख सकते हैं, या फिर सेटअप वाला बटन रख सकते हैं, या फिर अपने ग्लू वॉल बटन रख सकते हैं। बस क्लॉ टेक्निक का यूज तभी होता है, आप इसकी जगह आप कोई भी बटन यूज़ कर सकते हैं, वो तो आपका फिंगर का होता है, फिंगर आपको कैसा मूवमेंट करती है। और कुछ आपको इस तरीके से मूवमेंट करना होगा, आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं आपको मैप यहाँ पर दिया हुआ ताकि आप साइड में देख सकते हैं। तो फ्री फायर में आपको बहुत बंदे फोर फिंगर इसलिए नहीं खेल पाते क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता बढ़िया वाला, जो देख सकते हैं मैप का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप थ्री फिंगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो थ्री फिंगर के लिए आप साइड में रख सकते हैं राइट हैंड की तरफ, और अगर आप इसकी जगह आप अपना मैं बोल दूं तो अगर आपके इसकी जगह आप फायर की जगह जंप बटन रखें तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैं जंप बटन को ही लेकर चलूँगा, और जंप बटन काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि आपका मूवमेंट स्पीड जंप बटन से ही आपका बढ़ेगा। मान लो मैं यहाँ पर मैं कभी जंप करता हूँ उसके साथ तुरंत मैं फायर करता हूँ, एक साथ अगर आपके एक साथ आपकी दो ऊपर राइट हैंड की दो उंगलियाँ, आपके एक थंब काम करेगा, एक आपकी उंगली काम करेगी फिंगर
फिंगर काम करेगी, उससे क्या होगा आपका जो मूवमेंट है काफ़ी तेज़ हो जाएगी और काफ़ी आपको बंदे को मारने में आसानी हो जाएगी। तो आप इस तरीके को सेटअप कर सकते हैं। फोर फिंगर की बात करें तो फोर फिंगर आप अगर यहाँ पर सेट करते हो देख सकते हैं काफ़ी दूर हो जाता है आपका हाथ है साइड से और मैप की वजह से आपको यूज भी कर नहीं पाते। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम मैंने सेट कर दिया, देख सकते हैं फोर फिंगर में कल आपको बताया तो कुछ इस तरीके से आप फोर फिंगर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई भाई लोग आपके बेसिक गाइड जो मैंने आपको फोर फिंगर आपको बताई सॉरी थ्री फिंगर आपको मैंने बताई थी। थ्री फिंगर सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कस्टम हुड तैयार करना है। कस्टम हुड के लिए आपको ओनली वन एक आपको जो है आपको बटन होगी जो है आपको आपको सेटअप ले सकते हैं फायरिंग बोल सकते हैं उसको आपको एक बार सेट करना होगा बस आपका। उसके बाद कस्टम हुड एकदम तैयार हो जाएगा और आपका थ्री फिंगर आप क्लॉ टैग में आसानी से आप सीख जाओगे, ट्राई करने लगे, बस आपको उसमें थोड़ा सा भीख लगेगा। और क्यों लगेगा, क्योंकि आपका जो है मसल मेमोरी होती है आपका थंब की मेमोरी होती है वो आपको उसमें थोड़ा टाइमिंग लगता है कि इधर हाथ यूज करना है, क्योंकि आपको पता होगा जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि आपका हाथ मसल मेमोरी होती है वो पुराने की तरफ पुराने उसकी तरफ हाथ कभी भी चला जाता है, मतलब मेरे को पुराना हाथ नीचे की तरफ है तो हाथ उधर की तरफ बैठने वाला यूज हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो जंप एंड फायर तरीके से और काफ़ी ओपी तरीके से आप बताऊँगा तो आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो क्लॉ टेक्निक का। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी, अगर पसंद आई होगी तो एक बार लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कल आपको आपने बोला था कि भाई थ्री फिंगर के ऊपर बताओ या फोर फिंगर, आपने बताया थ्री फिंगर के ऊपर बताओ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और इसके अलावा भाई लोग आपको ऐसे ही और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ और लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को।